टाटा मोटर्स की स्टॉक प्राइस तो ऊपर ही जा रही है, खरीदना चाहिए या नहीं? आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कंपनी की प्रॉपर फंडामेंटल्स, आपको बताऊंगा, फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस पर रिसर्च करना चाहिए या नहीं, खरीदना चाहिए या नहीं। देखिए, रिसेंटली टाटा मोटर्स की स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर गई थी, हर रोज गैप अप ओपनिंग भी हो रही थी। मेनली ये सेंटिमेंटल रीजंस के वजह से हुआ। मान लिया टाटा ने कुछ सिग्निफिकेंट पॉजिटिव रिजल्ट्स और न्यूज रिलीज की थी, प्लस इंडिया में करंटली ईवी हाइप भी बहुत हाई है और ईवी सेगमेंट में टाटा मोटर्स का 85% मार्केट शेयर है, इसी की वजह से सेंटिमेंट में बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस था। लेकिन अब चलिए कंपनी के बिजनेस की बात करते हैं, फंडामेंटल्स डिस्कस करते हैं। देखिए, टाटा मोटर्स जो है वो एक ऑटो मेकर है, सिमिलर टू जनरल मोटर्स इन द यूएस। जनरल मोटर्स यूएस में एक बहुत बड़ी ओल्ड और ट्रस्टेड ऑटो कंपनी है, टाटा मोटर्स का इंडिया में सिमिलर पोजिशन है। मतलब ये बात तो आप जानते हैं कि जब टाटा की बात होती है तो हम सबके दिमाग में एक क्वालिटी आती है जो होती है ट्रस्ट। ये एक ऐसा ब्रांड है जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं। तो सिंपली इस ब्रांड के पीछे जो ट्रस्ट है उसी की वजह से आपको बहुत ज्यादा स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस भी नजर आती है। बहुत बार टाटा की कंपनीज के पीछे जो फंडामेंटल्स थे वो एवरेज थे, लेकिन स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस इसलिए दिखी क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है। अब मेरे हिसाब से टाटा मोटर्स के केस में भी थोड़ा बहुत ऐसा ही हो रहा है। देखिए, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैगुआर लैंड रोवर और व्हीकल फाइनेंसिंग के थ्रू टाटा के मेन इनकम सोर्सेस आते हैं। जैगुआर लैंड रोवर अलग से इसलिए बोला क्योंकि ये एक सब्सिडियरी है। लेकिन अब क्रेजी बात यह है कि जैगुआर लैंड रोवर से पिछले साल में टाटा मोटर्स ने 67.4% रेवेन्यू कमाया और ये चीज एक रीस्ट्रक्चरिंग के बाद आई। अब देखिए, 2015 और 2017 के बीच में जैगुआर लैंड रोवर की परफॉर्मेंस कम हो गई थी, मेनली बिकॉज कस्टमर्स को इनके डिजाइन इतने इनोवेटिव नहीं लगे और बाकी ऑटोमेकर से हाई कॉम्पिटिशन थी। ब्रेक्सिट भी हुआ था, यूएस चाइना के ट्रेड रिलेशंस भी खराब हुए थे और चाइनीज ऑटोमेकर्स भी ज्यादा मार्केट शेयर अक्वायर करने लगे थे। लेकिन यहीं पर दो चीजें हुई जिसने टाटा को बहुत ज्यादा हेल्प किया। दैट इज, नंबर वन, कंपनी की मैनेजमेंट ने रियलाइज किया हमको रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, हमको हमारे रिसोर्सेज को और अच्छे से यूज करने की जरूरत है और गाड़ियों में और ज्यादा इनोवेशन भी लाना पड़ेगा। और उतना ही नहीं, भारत में जो SUVs की डिमांड थी वो बढ़ने लगी, इसलिए कट टू टुडे दिसंबर 2022 में जैगुआर लैंड रोवर की जो सेल्स थी वो 30% से इंप्रूव की और यहाँ पे मेन इंप्रूवमेंट आई थी SUV सेल्स से। और अब आपको एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ, आपको लगेगा भारत में SUVs का मार्केट लीडर है महिंद्रा, क्योंकि आपको महिंद्रा की गाड़ियां बहुत ज्यादा दिखती है, लेकिन SUVs में जो टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर है वो महिंद्रा से ज्यादा है। आपके स्क्रीन पर मैंने कॉम्पैक्ट SUVs की डेटा और SUVs इन जनरल की डेटा डिस्प्ले की है, आप खुद देख सकते हैं। कॉम्पैक्ट SUVs के केस में तो टाटा मोटर्स मार्केट लीडर है विद 31% मार्केट शेयर। अब चलो बात करते हैं फाइनेंशियल हेल्थ की, जो टाटा मोटर्स के केस में इतनी अच्छी नहीं है, और ये टाटा मोटर्स की अकेले की गलती नहीं, ऑटो सेक्टर की भी है। आइए बताता हूँ क्यों। करंटली टाटा मोटर्स के पास बहुत ज्यादा डेट भी है, इनका टोटल जो बोरोइंग्स का फिगर आता है वो है 1.34 लाख करोड़, और अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो आज के तारीख में 2.96 है। देखिए, मेरे हिसाब से 1.5x के ऊपर डेट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि 1.5x तक आप ये बोल सकते हैं कि कंपनी अपने लोन्स के थ्रू अपने रिटर्न को इम्प्रूव कर सकती है, लेकिन इस नंबर के ऊपर अगर कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, फाइनेंशियल हेल्थ थोड़ी भी डिटेरियोरेट हुई, तो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत बड़ा होता है। जिनको नहीं पता उनके लिए एक लाइन में समराइज कर देता हूं, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब एक कंपनी के पास कितना सारा टोटल डेट है डिवाइडेड बाय उनके पास कितनी सारी टोटल इक्विटी है, इक्विटी यानी एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर 2.96 मतलब अगर टाटा के पास एक रुपए इक्विटी में है तो उस एक रुपए के लिए 2.96 रुपीस के लोन्स आउटस्टैंडिंग है। और अब देखिए, अगर 1.34 लाख करोड़ के लोन्स आउटस्टैंडिंग है तो भारी इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, और इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसका यह मतलब होता है कि कैश आउटफ्लो होगा। मार्च 2019 में टाटा मोटर्स ने ऑलमोस्ट 29,000 करोड़ का एक लॉस रिपोर्ट किया, और उस टाइम से लेके अब तक मेनली ये कंपनी सिर्फ लॉस ही बनाती आई है। करंटली FY23 के हिसाब से कंपनी ने फाइनली एक प्रॉफिट रिपोर्ट किया 3,000 करोड़ का, लेकिन अभी भी ये नंबर इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके पहले जब टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल हुआ करती थी उन्होंने और भी हाई प्रॉफिट्स रिपोर्ट किए हैं। और अब एक और चीज आपको बताता हूँ, जब टाटा मोटर्स प्रॉफिटेबल हुआ करती थी उनके प्रॉफिट ग्रोथ में कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं था, कभी 13,500 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर कभी 9,000 का,
फिर 14,500 का, उसके बाद वापस 13,000 का। इसी की वजह से अगर हम पिछले 5 सालों में इनकी रिटर्न ऑन इक्विटी को देखते हैं तो ये -8% आती है। ऑलवेज रिमेंबर, रिटर्न ऑन इक्विटी एक ऐसा नंबर होता है जो जितना ज्यादा होता है अच्छा है। पिछले 5 सालों में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेयरली 5% था, जो प्रॉफिट ग्रोथ था कंपाउंडेड वो -20% का था। अगर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो वो सिर्फ 5% था। अब देखिए, ये सारी चीजें होती है टाटा मोटर्स की गलतियों के वजह से नहीं, मतलब हाँ थोड़ी सी उनके वजह से भी होती है, लेकिन मेनली ऑटो सेक्टर की गलती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ऑटो सेक्टर जो होता है वो बहुत ही ज्यादा साइक्लिकल होता है। अब साइक्लिकल मतलब जो इकोनॉमी है हमारी वो बूम में चलती है, फिर रिसेशन में जाती है, फिर वापस बूम में जाती है। तो जो सारे बिजनेसेस इस बूम और रिसेशन पर हेवीली डिपेंडेंट होते हैं उनको हम साइक्लिकल कंपनीज बोलते हैं। जैसे टाटा मोटर्स के केस में जब इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है इनके सेल्स गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ टू रीजंस। मैक्सिमम जो भारतीय लोग हैं वो गाड़ियों को ईएमआई पर लेते हैं, और दूसरी चीज जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो ये सारे जो बिजनेसेस होते हैं इंडिया में वो और लोन नहीं ले पाते या लेना चूज ही नहीं करते, और इसलिए नए प्रोजेक्ट्स नहीं अंडरटेक करते, नए लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देते, एंड इन द प्रोसेस और ज्यादा आउटपुट भी नहीं प्रोड्यूस कर पाते। तो जब इकोनॉमी में इन सारे इफेक्ट्स की वजह से एक रिसेशन वाली वाइब आती है तब साइक्लिकल स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म करते हैं। साइक्लिकल स्टॉक का ऑपोजिट होता है डिफेंसिव स्टॉक, जैसे FMCG या दारू सुट्टे का बिजनेस। रिसेशन हो या बूम, नमक शक्कर हर एक इंसान खरीदता है, चावल हर एक इंसान खरीदता है, सिगरेट्स हर एक इंसान खरीदता है। तो बोलने का मतलब यह है कि टाटा मोटर्स एक ऐसा बिजनेस है जो एक बाय एंड होल्ड स्टॉक नहीं है। अगर आप टाटा मोटर्स को रिसेशन में होल्ड करोगे तो आप इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। The ideal strategy for such a stock is to buy it right before an expansion. सरल भाषा में इसका ये मतलब होता है कि आपको लगता है रिसेशन खत्म होने आ गया है और इस पॉइंट पे जाके आप एक साइक्लिकल स्टॉक खरीदते हो। अगर आपका शक सही निकलता है तो जब रिसेशन खत्म होकर एक्सपेंशन शुरू होगा तब आपकी कंपनी पैसे बनाएगी और इस प्रोसेस में आप भी पैसे कमाओगे। और अब ये काफी नहीं था तो एक और डाउन साइड बता देता हूँ, दैट इज इनपुट कॉस्ट, जो टाटा मोटर्स के लिए रिसेंट टाइम्स में एक चैलेंज रहा है। क्योंकि देखिए, जब इन्फ्लेशन होता है कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अपने खर्चे बढ़ ही जाते हैं। अगर मेटल का भाव ऊपर जाता है, गाड़ी के इंटरनल्स का भाव ऊपर जाता है, कंपनी के खर्चे बढ़ने ही वाले हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अब वो एक चीज कर सकते हैं, इन सारे खर्चों को थोड़ा बहुत अपने कंज्यूमर पे पास ऑन कर सकते हैं। टाटा ने ये कहा था कि कमर्शियल व्हीकल्स के लिए हम 5% से प्राइसेस बढ़ाने वाले हैं, पैसेंजर व्हीकल्स के लिए 0.6% से। लेकिन ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब आपके खर्चे बढ़ रहे हैं इसलिए आप प्राइसेस तो बढ़ाओगे, लेकिन आपके कॉम्पिटिटर्स भी तो है पास, अगर वो आपसे सस्ती गाड़ियां बेच पाते हैं कुछ ना कुछ करके तो आपके मार्केट शेयर पर भी इफेक्ट आएगा। बोलने का ये मतलब है कि ऑटो सेक्टर जो होता है वो एक तो साइक्लिकल होता है, उसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होते हैं और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जो सारी कंपनीज होती हैं वो प्राइसिंग पावर नहीं कमांड करती। मतलब अब देखो, टाटा मोटर्स फेरारी तो नहीं है जो हर साल सिर्फ 10,000 गाड़ियां बनाती है और स्पेसिफिक क्लाइंट्स को ही बेचती है। टाटा मोटर्स एक आम जनता की कंपनी है, ये चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोगों को हो सके हम गाड़ियां बेचें, और ये तब होगा जब इनकी गाड़ियां सस्ती और अच्छे क्वालिटी की होगी। अब अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां तो बनाई जा सकती है, लेकिन गाड़ियों को कितना सस्ता रखना है ये इतना आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता। तो देखिए, मेरी बात करूं तो मैं मेनली कोई साइक्लिकल स्टॉक्स होल्ड नहीं करता। इनफैक्ट मेरा स्टॉक पोर्टफोलियो जो है वो बहुत छोटा है। मैं मेनली म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्ट करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं बिजनेस साइकिल को प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और इतनी ज्यादा रिसर्च करके, बिजनेस साइकिल पर एनालिसिस करके ये देखना कि इंटरेस्ट रेट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा, ये करने का मेरे पास ना तो टाइम है ना पेशेंस। और उतना ही नहीं, टाटा मोटर्स के केस में तो डेट भी बहुत हाई है, कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स भी 2013 से नहीं रिपोर्ट कर पाई, तो इसलिए पता नहीं आगे क्या होने वाला है। एंड फॉर दैट रीजन एज ऑफ नाउ मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, और मुझे नहीं लगता आगे भी जाके करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए आपने इन्वेस्ट किया या नहीं, या फिर आगे जाके करने वाले हैं कमेंट्स में। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आपको मिलूंगा अगले वीडियो में।